Guys, how are you? Well, hope that all of you are very good. Now, in today's class, we are going to do a bit more of revision. हम लोग थोड़ा बहुत और revision करने वाले हैं और इस revision की शुरुआत जो हम लोग करने वाले हैं ना वो करने वाले हैं चॉकलेट के सेल के साथ. मान लीजिए कि आपके यहाँ आपके मामा भैया चाचा कोई आते हैं और वो जो है चॉकलेट्स लेके आते हैं, ठीक है. लेकिन वो चॉकलेट जो लाते हैं ना वो पैकेट्स में भर भर के लाया है, डब्बा पॉलीथीन में भर भर के लाया है उन्होंने या झोला में. तो ये मान लो एक झोला हो गया आपका, ठीक है. ये जो है दूसरा झोला हो गया और ये जो है एक पॉलीथीन हो गया, ठीक है, या छोटा सा थैला हो गया. अब मान लो कि इसके अंदर जो है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल, राइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 चॉकलेट्स हैं इसके अंदर. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 चॉकलेट्स हो गए इस बैग के अंदर. और इस छोटे से पॉलीथीन या बैग के अंदर जो है मान लो है 1, 2, 3, अरे बिल्कुल आपकी शक्ल की तरह हो गया ये, है ना. अगर इन सबको ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे, 10, 10 और इधर कितना हो गया 3, तो कितना हो जाएगा ऐड करके ये, इट्स इजी, 10 और 10, 20 प्लस 3 कितना हो गया टोटल 23, इट्स इजी, राइट. उसी तरीके से जो है अब यहां पर आपने क्या सीखा, इसको हम दूसरे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं. अब पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे जो है 0 से लेकर 9 तक इन डिजिट्स से हम ढेर सारे नंबर बना सकते हैं, जितना मन उतना रिपीट करके बना सकते हैं, ये हमने सीखा था. इस क्लास में हम लोग जो है उसका एक सिंपलर उससे एक उसका एक और यूज सीखेंगे. अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 5 अगर है, राइट, 0, 1, 2, 3, 4 सॉरी बहुत ही जो है कंजेस्टेड हो गया ये, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 मान लो कि 9 तक का टोटल डिजिट्स हो गया आपके पास. अब इसके आगे मैंने आपको बताया था कि अगर आप 2 डाल दीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, इसके आगे 2 डालिएगा तो ये 21 हो जाएगा, इसके आगे 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे जाता है ये. तो अगर मुझे इस 22 को ही लिखना है, 22 को हम कैसे बोलते हैं, 20 प्लस 2, ये इसकी वैल्यू हो गई. या फिर अगर 23 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 3. 24 है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 4, क्योंकि हर एक नंबर में ये जो सेकेंड प्लेस पर जो है ना इसकी वैल्यू जो है 10 गुना ज़्यादा है, समझ रहे हो कि नहीं. ये जो है ये पहले अगर यहाँ पर है मान लो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू पता है कितनी हो गई, 20 हो गई. यहाँ पर जो है प्लेस वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट भी आता है. एक्चुअली मैथ में जब भी आप कोई नंबर लिखते हो ना, तो जैसे मान लो कि मैंने लिखा, तो मैथ में हम लोग जो है नंबर को गिनना जो शुरू करते हैं वो पीछे से करते हैं. पहले जगह पर राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाते हो तो पहले जगह पर जो होता है उसकी वैल्यू को आप जो है 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे जगह पर जो मौजूद है उसकी वैल्यू को आप जो है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 1, 2 और 3 तीसरे जगह पर भी कोई अगर आ गया तो उसकी वैल्यू को आप जो है 100 से मल्टीप्लाई कर दो. इस तरीके से चलता है ये सिस्टम. एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, जैसे देखो ये 22 है ना, यहाँ पर ये नंबर मिला आपको, पहले से 2 था, इसके आगे एक और 2 हमने डाल दिया तो ये क्या बन गया, 22 बन गया, राइट. अब इसको अगर इसकी वैल्यू को जानना है तो क्या करोगे, 2 को जो है 1 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 1s का प्लेस हो गया, और 1s से आगे जब हम जाते हैं तो ये होता है 10s का प्लेस, तो 10s के प्लेस पर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से कर दोगे, तो पता है वैल्यू क्या होगी, 2 10 जा 20 और उसके आगे हमने 2 1 जा 2 ऐड करके कितना हो गया हमारा 22. समझ गए, दो चीज़ें आपने सीखी यहाँ पर. पहली बात ये कि प्लेस वैल्यू,
पहले नंबर पर जो है दाएं से बाएं जब देखोगे तो पहले नंबर पर जो होगा डिजिट उसकी वैल्यू जो है वो वंस में होती है, मतलब कि उसको आप वन से गुना करके मल्टीप्लाई करके आप उसकी वैल्यू निकालोगे, उस डिजिट की वैल्यू। और जब दूसरे जगह पर जो होगा वो टेंस का प्लेस कहलाता है। ये कौन सा प्लेस है? ये हो गया वंस और ये क्या हो गया? टेंस। मतलब कि अगर यहाँ पर दो अगर है तो दो की वैल्यू को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 20। समझ गए? तो 22। अगर मान लो कि 2 की जगह पर जो है 3 डाल दिया मैंने तो नए नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 3 × 10 कितना हो जाएगा? 30। और 30 + 2 कितना हो जाएगा? 32। है कि नहीं? अगर मान लो कि मैं 3 की जगह पर 8 डाल दूं, ठीक है, तो 8 × 10 पता है कितना होगा? 8 के आगे एक जीरो डाल दो, 80। और 80 + 2 कितना हो जाएगा? 82। वेरी इजी, इजंट इट? तो यही होता है भैया प्लेस वैल्यू का हिसाब किताब, समझ गए? तो कभी भी अगर मान लो कि हमको ग्रुप में अगर गिनना होता है तो हम उसको कैसे गिन सकते हैं? बेसिकली उसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से। जैसे मान लो कि 98 अगर है, ठीक है, इसको अगर ग्रुप में गिनना है तो मान लो कि 10 9 जो है तुम्हारे पास 10 का नोट हो गया, ठीक है, तो 90 रुपीज़, और प्लस 8 जो है तुम्हारे पास 1 का कॉइन हो गया, 8 रुपीज़, दोनों मिला के कितना 98 कितना हो गया? 90 + 8। दूसरी तरफ अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि 90 प्लस कितना जो है 98 होगा, तो देखो ये 90 ये जो है 8 इधर बचा और ये कितना हो गया 90, तो 90 तो यहाँ पर है हमारे पास, तो छूटा हुआ क्या है हमारे पास? 8। तो 90 + 8 कितना हो गया? 98। आई थिंक ये इजी है, एक बार ट्राई करो, अगर फिर भी नहीं समझ में आए आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, थैंक यू।